ऐश्वर्या राय की जिंदगी से जुड़े ये 9 राज जिनके बारे में आप ज्यादा नहीं जानते होंगे, आइए देखते हैं पूरी लिस्ट। जया और श्वेता बच्चन के साथ उनके खराब रिश्ते। हाल ही में सुर्खियां बटोरने वाली एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन को बीते दिनों में अपनी ननद और सासू माँ के साथ भी कॉन्ट्रोवर्सीज में देखा जा चुका है। कॉफी विद करण के एक एपिसोड में आई श्वेता बच्चन ने शो के दौरान इस बात का खुलासा किया था कि ऐश्वर्या उनके मैसेजेस और कॉल्स के जवाब देने में काफी टाइम लगाती हैं। इतना ही नहीं, इसी दौरान जया बच्चन ने भी अपनी नाराजगी दिखाते हुए इस बात का खुलासा किया कि ऐश्वर्या को घर में जितनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए वो उतनी नहीं कर पाती हैं। शाहरुख खान की फिल्म चलते चलते से हो गई थी बाहर। ऐश्वर्या राय बच्चन को SRK की 2003 में आई फिल्म चलते चलते के लिए लिया गया था, लेकिन क्योंकि उस समय उनके बॉयफ्रेंड सलमान खान ने गुस्से में आकर फिल्म के सेट पर हंगामा कर दिया था, इसलिए ऐश्वर्या को इस फिल्म से बाहर कर दिया गया। ऐश्वर्या के साथ कुछ सीन्स तक शूट किए जा चुके थे जब फिल्म के प्रोड्यूसर SRK ने उन्हें बाहर करने का फैसला किया। इसके बाद उनकी जगह रानी मुखर्जी को कास्ट किया गया था। मनीषा कोइराला के साथ उनकी कॉन्ट्रोवर्सी। बीते दिनों में एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय का नाम उन दिनों के सुपर मॉडल राजीव मूलचंदानी के साथ जोड़ा गया था और इस अफवाह का जिम्मेदार ऐश्वर्या राय ने मनीषा कोइराला को ठहराया था। कहा जाता है कि उस वक्त मनीषा राजीव को डेट कर रही थी और लोगों में इस बात की अफवाह फैलने लगी थी कि ऐश्वर्या राय और राजीव के बीच कुछ चल रहा था और उनके अलग होने की वजह मनीषा कोइराला और राजीव के बीच बढ़ती हुई नजदीकियां थी। बाद में इन सभी खबरों को झूठा बताते हुए ऐश्वर्या ने अपना दुख मीडिया के साथ शेयर करते हुए ये बताया कि उन्हें मनीषा की इस हरकत से काफी परेशानी हुई है। अमिताभ बच्चन हुए ऐश्वर्या राय के सीन से खफा। जहां बॉलीवुड फिल्मों में किस करना, यहां तक कि एक दूसरे के बेहद करीब होने के सीन्स भी आजकल के टाइम में आम बात हो चुकी है, वहीं अमिताभ बच्चन ने हमेशा ही अपने घर की औरतों को इन सब से बचा कर रखा है। जहां उन्हें उनकी बहू, बीवी और बेटी किसी का भी इस तरीके के सीन्स करना पसंद नहीं था, वहीं ऐश्वर्या राय द्वारा की गई फिल्म ए दिल है मुश्किल में रणबीर के साथ उनके सीन्स देखकर बिग बी काफी खफा हो गए थे। इतना ही नहीं, स्क्रिप्ट से उनके किस सीन्स भी हटवा दिए गए थे। इससे पहले भी धूम 2 में ऋतिक रोशन के साथ उनके ऐसे सीन्स देखकर उनका परिवार काफी निराश हुआ था, जिसकी वजह से इस तरह के सीन्स उनकी आई दूसरी फिल्म जोधा अकबर से भी हटा दिए गए थे। सोनम कपूर से हुई थी लड़ाई। लॉरियल की ब्रांड प्रमोट कर चुकी ऐश्वर्या राय अपनी इस एड के लिए काफी मशहूर है, लेकिन जब उन्हें रेड कार्पेट लॉरियल ब्रांड के दूसरे चेहरे सोनम कपूर के साथ बांटने को कहा गया तो उन्होंने इस बात से साफ मना कर दिया। इस बात से खफा होकर सोनम ने उन्हें कॉफी विद करण के शो में आंटी बुलाते हुए कहा, क्योंकि वो मेरे पिता के साथ भी काम कर चुकी हैं, तो वो मेरी आंटी ही हुई ना। पनामा पेपर्स। 2016 में हुए पनामा पेपर का स्कैंडल में अमिताभ बच्चन के साथ ऐश्वर्या का नाम भी जारी किया गया था। इस विवाद को लेकर काफी शोर मचा था जब ईडी ने ऐश्वर्या राय पर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के तहत बाहर के देशों में ब्लैक मनी छुपाने का आरोप लगाया था। इस आरोप में 500 भारतीय बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस और सेलिब्रिटीज के नाम शामिल थे, जिनमें से एक ऐश्वर्या भी थी। इतना ही नहीं, इन सभी पर टैक्स फ्रॉड करने का इल्जाम भी लगाया गया था। विवेक ओबरॉय को कहा इमेच्योर। ये उन दिनों की बात है जब विवेक ओबरॉय और सलमान खान के बीच ऐश्वर्या राय को लेकर काफी टेंशन चल रहा था। उस समय ऐश ने सलमान को छोड़कर विवेक के साथ रिश्ता बना लिया था, लेकिन विवेक ओबरॉय ने मीडिया को बुलाकर सलमान को ऐश्वर्या से दूर रहने को कहा। उन्होंने उसी समय मीडिया को इस बात की जानकारी भी दी कि सलमान उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और कॉल कर काफी परेशान भी कर रहे हैं। विवेक के इसी कदम से ऐश्वर्या ने उनसे नाराज होकर उन्हें इमेच्योर का नाम दे दिया। हाल ही में आई उनकी डिवोर्स की खबरें। कहा जा रहा है कि ऐश्वर्या ने अभिषेक के घर को छोड़ दिया है और अब वो काफी दिनों से अपनी बेटी आराध्या के साथ अपनी माँ के घर में रह रही हैं। इतना ही नहीं, कई सोर्सेज से इस बात की खबर भी सामने आई है कि ऐश्वर्या ने बच्चन हाउस के अंदर एक अलग ही हिस्सा बना रखा है, जिसके चलते वो घर में किसी से ज्यादा बात तक भी नहीं करती हैं। रो पड़ी थी ऐश्वर्या। इतनी खूबसूरत लड़की को ऑन स्क्रीन तो आपने काफी बार रोते हुए देखा होगा, पर हम बात कर रहे हैं उस वक्त की जब रिपोर्टर से परेशान होकर ऐश्वर्या एक इवेंट के दौरान रो पड़ी थी। जी हाँ, उस समय वो अपनी बेटी के साथ स्माइल ट्रेन फाउंडेशन के इवेंट पर बच्चों से मिलने गई थी, पर जब रिपोर्टर्स ने जोर से चीखने और चिल्लाना शुरू कर दिया, इसे देखकर वहां मौजूद कई बच्चे डर के रोने लगे। इस बात से खफा ऐश ने रिपोर्टर्स को गुस्सा तो किया ही, साथ उनकी आंखें भी भर आई थी।